नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले यूपी जीके के टॉप 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। और आज का हमारा चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। इससे बनने वाले टॉप 25 प्रश्न कराने वालों, अगर आप हमारे यूपी जीके के सारे वीडियो एक बार देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में अगर यूपी जीके में ऊर्जा संसाधन से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये यूपी जीके के टॉप 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया। तो कब किया गया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन? तो इसका गठन किया गया था 1959 में। कब? 1959 में। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न संख्या दो है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एक्ट कब बना। तो कब बना है? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो एक्ट बना है वो बना है 1998 में। कब? 1998 में। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वो है इलाहाबाद। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तो तीन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कितने मेगावाट तक की परियोजना लघु जल विद्युत परियोजना कहलाती हैं। तो कितने मेगावाट कहलाती हैं? तो ये 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु जल विद्युत परियोजना कहलाती हैं। तो चार का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न संख्या पाँच है आपके सामने कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। तो कौन से शहर में लागू की गई थी? तो ये व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी आगरा शहर में। तो पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न संख्या छः है आपके सामने कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना का प्रारंभ हुई। तो कब हुई थी हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना का प्रारंभ? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1942 में। तो छः का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। प्रश्न संख्या सात है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया। तो कब आया? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है ये अस्तित्व में आया था सन 2000 में। तो सात का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न संख्या आठ है आपके सामने कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है ये स्थित है पौड़ी में। तो आठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न संख्या नौ है आपके सामने कि बारहवीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो कितने अतिरिक्त का रखा गया था? तो बारहवीं परियोजना में ये रखा गया था 16,274 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। तो नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। प्रश्न संख्या दस है आपके सामने कि परीक्षा तापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। तो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो परीक्षा तापीय जो परियोजना है ये स्थापित की गई है झांसी जनपद में। तो दस का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस नदी के सहयोग किस देश के सहयोग से हो रहा है। तो कौन से देश के सहयोग से हो रहा है? तो अनपरा डी परियोजना इसका जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है जापान के सहयोग से। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पनकी ताप परियोजना कहाँ पर है। तो कहाँ पर है पनकी ताप परियोजना? तो ये परियोजना स्थित है कानपुर में, पनकी ताप परियोजना। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। प्रश्न संख्या
13 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कितने केंद्र हैं। तो कितने केंद्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के जो केंद्र हैं वो हैं 7 केंद्र हैं। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो चंदौसी ताप विद्युत केंद्र ये है मुरादाबाद। कहाँ पर है, मुरादाबाद में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो कौन से देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो कहाँ पर है रिहंद जल विद्युत परियोजना, तो ये जो जल विद्युत परियोजना है रिहंद, ये स्थित है सोनभद्र में। कहाँ पर है, सोनभद्र में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, तो कौन से नदी पर बनाया गया, तो ओबरा जल विद्युत केंद्र ये बनाया गया है रिहंद नदी पर। किस पर, रिहंद नदी पर। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि माता टीला विद्युत गिराय किस नदी पर स्थापित किया गया, तो कौन से नदी पर स्थापित किया गया माता टीला विद्युत गिराय, तो ये स्थापित किया गया है बेतवा नदी पर। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है, तो कौन से जनपद में है शारदा जल विद्युत परियोजना, तो ये जो परियोजना ये स्थित है पीलीभीत जनपद में। शारदा जल विद्युत परियोजना 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस जनपद में है, तो कौन से जनपद में है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, तो ये स्थित है सोनभद्र जनपद में। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु जल विद्युत नीति की घोषणा कब की गई, तो कब की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु जल विद्युत नीति की जो घोषणा की गई है वो की गई है 2009 में। कब, 2009 में। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने प्यारे साथियों कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो कौन कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है टिहरी, तो टिहरी जो संयुक्त परियोजना है ये है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य की संयुक्त परियोजना। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में है, तो कौन से जनपद में है मेजा ताप विद्युत परियोजना, तो ये जो मेजा ताप है ये इलाहाबाद जनपद में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि घाटमपुर बिजली परियोजना कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो जो घाटमपुर बिजली परियोजना है ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 25 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस पेटासेट का कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट की ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ पर की गई, तो रिलायंस समूह द्वारा जो 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी रौजा में। कहाँ पर हुई थी, रौजा में हुई थी। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये मुझे आपसे उम्मीद है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।